नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे हम ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाने के बारे में। तो ये बहुत आसानी से आप घर में बना सकते हैं। आपको अपने घरों के आसपास नीम के पौधे मिल जाएंगे। ये तो हमारा खैर नीचे ग्राउंड फ्लोर के गार्डन में लगा हुआ है नीम का पौधा, उसी से हम ये पत्तियाँ थोड़ी सी निकाल लेते हैं, तो इससे हम ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बना लेंगे। तो इसको आप सुखा के भी बना सकते हैं, कई तरह से बना सकते हैं। तो आज जो हम बनाएंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये आप इंडोर पौधों में भी डाल सकते हैं, आउटडोर पौधों में भी डाल सकते हैं, फलों के पौधों में डाल सकते हैं, सब्जियों के पौधों में भी डाल सकते हैं, फूलों के भी पौधों में डाल सकते हैं। सभी में भी ये आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बना के डाल सकते हैं। ये कोई नुकसान नहीं करता है, इससे आपके पौधे ख़राब नहीं होंगे। और आजकल गर्मियों में तो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बना के अगर डालेंगे तो अच्छा रहेगा। गर्मियों में क्या, सर्दियों में कभी भी आप ऑर्गेनिक अगर पेस्टिसाइड बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाज़ार में तो बहुत मिलते हैं लेकिन वो सब अच्छे नहीं रहते हैं, पौधों के लिए भी और खुद के लिए भी। तो ये हमने थोड़ी सी पत्तियाँ अपने ग्राउंड फ्लोर के गार्डन से निकाल लिया है, तो इसको अब तैयार करते हैं हम। ये इतनी पत्तियां हैं हमारी करीब, इस बाउल में हम डाल देंगे पत्तियां धोकर, और इसके बाद में पानी डाल देंगे। पानी 1 लीटर तो नहीं, 1 लीटर से थोड़ा सा कम डालेंगे। तो इसको बॉईल कर लेंगे। इसको 5 मिनट बॉईल करने के बाद इसमें इसका पत्तियों का, नीम की पत्तियों का ये इसमें अक्स आ जाएगा, तो फिर इसमें ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड आपकी तैयार हो जाएगी। ये थोड़ा थोड़ा कलर भी आने लगा है, इसमें कलर आ जाएगा जब ये बॉयल हो जाएगा 5 मिनट। इसको ऐसे चला देंगे, 1-2 बार ऐसे चला देंगे, ये बॉयल होने लगा है। देखिए अब बॉयल होने के बाद बस 5 मिनट इसको पकने देंगे। पकने के बाद इसको गैस बंद कर देंगे। अभी इसमें देख हल्का सा कलर आया है, ये पक गया है। पकाने के बाद में इसको ठंडा कर दिया है। ठंडा करने के बाद में इसको देखिए, ठंडा करने के बाद ऐसा कलर आया है। तो इसको छान लेंगे। छानने के बाद में ये हमारा ये 1/2 लीटर करीब पानी तैयार हो गया। इसमें हम 1/2 लीटर पानी मिलाएंगे, तो 1 लीटर तैयार हो जाएगा। 1 लीटर तैयार करने के बाद में सारे पौधों में हम इसको डालेंगे। ये 1/2 लीटर पानी डाल दिया, तो 1 लीटर ये तैयार हो गया मेरा पेस्टिसाइड। तो इसको स्प्रे बॉटल में डाल के स्प्रे करेंगे सारे पौधों में। तो ये पूरी शीशी भर गई 1 लीटर की। तो ये इंडोर पौधे रखे हुए हैं बालकनी में, इसमें भी स्प्रे कर देंगे। अगर इसमें भी कुछ कीड़े होते हैं तो वो सारे इससे सब चले जाते हैं ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड से, ये जो घर में हमने बनाया है नीम से। तो मिली बग लग जाते हैं और काले काले छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, वो सारे कीड़े आपके चले जाएंगे। अगर आप हर हफ्ते इसको स्प्रे करेंगे तो इसमें फिर कीड़े आपके पौधों में नहीं लगेंगे। तो बाज़ार में जैसे नीम ऑयल मिलता है तो वो सब भी कर लेते हैं कभी कभार, और ज़्यादा करके तो घर में ही इतनी चीज़ें होती हैं। तो आप घर में बना के ये सब डालते रहें अपने पौधों में, तो आपके पौधों में कभी कीड़े नहीं लगेंगे, कीड़े से पौधे नहीं ख़राब होंगे आपके। ये जैसे ये हमारे ये कोलियस के पौधे हैं, ये भी खूब अच्छे हैं, इसमें भी हम कर देते हैं। गर्मियों में तो बहुत अच्छे लगते हैं, इनके पत्तियाँ ही इतनी अच्छी लगती हैं, क्योंकि फूल तो कम ही होते हैं गर्मियों में। तो इसमें इसकी पत्तियाँ इतनी सुंदर होती हैं कि इनकी थोड़ी सी अगर केयर कर लो तो इसमें कीड़े तो ज़्यादा कभी हमको दिखे नहीं, लेकिन ये हम करते रहते हैं सभी पौधों में। तो एक आध कभी लग भी जाते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सारे बालकनी में ही रखे हैं मेरे ये पौधे, और टेरेस में भी रखे हुए हैं, तो टेरेस में भी करेंगे।
ये जैसे सनफ्लावर का है, इसमें कीड़ा एक हमको ये दिख रहा है, जैसे इसमें कर देंगे तो ये कीड़ा ख़त्म हो जाएगा, खराब भी हो गया है, ये पत्ते इसके ख़राब हो रहे हैं, तो सारे पौधे में इसी तरह से कर दें आप, तो आपके कीड़े वीड़े लगे होंगे तो सब ख़त्म हो जाएंगे। जैसे गुलाब का है, ये हमारा टेरेस गार्डन में रखे हुए हैं, ये तो सारे पौधे उसमें भी कर देंगे। ये गुड़हल के हैं जैसे पौधे, गुड़हल के तो मेरे पास कई वैरायटी के हो गए हैं, तो गुड़हल में बहुत मिलीबग लगते हैं, तो यही सब करते रहते हैं, तो फिर इसमें कीड़े नहीं लगते हैं, मिलीबग नहीं आती हैं, अगर लगती भी हैं कभी दिखती हैं तो ये करने से ख़त्म हो जाती हैं, कलियां भी इसकी ख़राब कर देती हैं अगर इनको ध्यान न दो, ये सब ना करो, केमिकल ये पेस्टिसाइड ना डालो ऑर्गेनिक या केमिकल, तो फिर इसमें कलियां ख़राब कर देती हैं, कलियां तो फिर फूल निकल ही नहीं पाते हैं, कलियां ही सारी गिर जाती हैं, तो ये जैसे अभी मिली बगी ये दिख रहा है, इसमें कर देंगे तो ये सब चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो यही सब ध्यान रखना पड़ता है अपने पौधों के लिए, थोड़ी सी अगर केयर कर लें, थोड़ी सी मेहनत कर लें तो कीड़े नहीं लगेंगे। घर में ही इतनी चीज़ें होती हैं कि आप घर से बनाकर कभी लहसुन और उसका मिर्च का पेस्ट बना के, उसकी चटनी बना के उसको छान के स्प्रे कर दें, कभी ये नीम से कई तरह से बना के इसमें स्प्रे कर दें, तो इसमें कीड़े बिल्कुल फिर नहीं लगते हैं पौधों में, आपके सभी पौधों में डाल देते हैं, कोई भी पौधा हो तो कीड़े नहीं लगेंगे। बस दोस्तों इसी तरह से आप लोग भी अपने पौधों का ध्यान रखिए और अपना ध्यान रखिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय सियाराम, टेक केयर।